खुरई पठार स्थित महाकाली सेट से दर्जनों लोगों ने खुरई को जिला बनाओ की मांग को लेकर पैदल मार्च शुरू किया, जिसमें उन्होंने नारे लगाते हुए संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा, खुरई सन 1863 में बनाई गई सागर जिले की सबसे पुरानी तहसील है। आज जो अन्य तहसीलें जिला बनने की मांग कर रही हैं, वह कभी खुरई का भी हिस्सा हुआ करती थी। पूर्व में भी कई मुख्यमंत्रियों ने खुरई को जिला बनाने का आश्वासन दिया था, जिसे आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया। खुरई विधायक व मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई में जिला स्तर की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, जिसे आज खुरई को मध्य प्रदेश की सबसे विकसित तहसील में गिना जाने लगा है। हाल ही में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई को जिला बनाने के संकेत दे दिए हैं। कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और आपको बता दें, खुरई को जिला बनाने की मांग रखी। जैसा कि सभी गणमान्य व्यक्तियों को और हमारे खुरई निवासियों को, जैसा कि सबको विदित है पूर्व से, हमारी विधानसभा पहले खुरई नरियावली पीना मिला के एक ही खुरई विधानसभा थी। जैसा कि आपको मालूम है, खुरई नंबर एक और खुरई नंबर दो ये विधानसभाएं थी। बिना सर्किल खुरई का सर्किल हुआ करता था, बिना खुरई का सर्किल हुआ करता था, मंडल हुआ करता था। सबसे पुरानी विधानसभा है और ये आंदोलन हमारा सन 78 से रेगुलर चल रहा है। सन 84 में मूरत सिंह भाई, सुनील गड़ोला भाई एवं विजय भाई बच्ची से एवं तक अन्य तमाम लोग, प्रेम नारायण जी तिवारी, गौरी जी, गोपाल जी, खान साहब, भाई साहब, सभी लोग ये संघर्ष कर रहे, राजू भाई भी हमारे साथ में थे उसी टाइम से। हम लोगों ने ये आंदोलन शुरुआत, हम चूंकि उस टाइम पे युवा थे तो हम लोग मूरत भैया के नेतृत्व में शासक प्रेसिडेंट था उस टाइम पे भी। सन 84 से निरंतर ये आंदोलन चलता रहा। विगत में हमारे कम से कम 5 या 6 मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पे आके घोषणा की। माननीय शिवराज जी ने भी जिला बनाने की घोषणा की, कमलनाथ जी ने भी घोषणा की, लेकिन इन घोषणाओं को कभी क्रियान्वित नहीं किया गया। अब शासन से, सरकार से, सबसे अधिकारियों से निवेदन है कि खुरई विधानसभा को नजरअंदाज नहीं किया जाए। खुरई जिला है, रहेगा और होगा ऐसा मानिए। आज हम माननीय बड़े भाई, हमारे खुरई के लाले विधायक भूपेन जी के नेतृत्व में इस कोशिश को पुरजोर तरीके से उठाना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ग्रामीण जनता की भावनाओं को और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए खुरई को जिला बनाने की इस संघर्ष यात्रा में सहयोग प्रदान करें और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान। आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग सागर जाके माननीय लखन मैया से निवेदन करते हैं कि लखन मैया के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देंगे। उसके बाद ये आंदोलन सीधा भोपाल जाएगा। भोपाल में माननीय मंत्री महोदय भूपेन भैया, कैबिनेट मंत्री से निवेदन है कि वो राज्यपाल को और सीएम को हमारा ज्ञापन दिलाकर इस मांग को पुरजोर तरीके से रखे। वो रखने में सक्षम है माननीय भूपेन भैया। भूपेन भैया, तो आप रैली निकाल रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, किन उद्देश्य को लेकर रैली निकाली जा रही है? सागर कलेक्टर महोदय के यहाँ महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए हमारी पूरी जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से सभी प्रतिनिधि लोग जा रहे हैं। और हमारी खुरई तहसील 1862 की सबसे पुरानी तहसील है। यहाँ पर सभी कृषि विभाग, PWD, इरीगेशन, सॉयल कंजर्वेशन इत्यादि सभी के अनुभाग स्तर के अधिकारी सब यहीं पर बैठते हैं। तो सबसे पुरानी तहसील होने के नाते खुरई को जिला बनाने के लिए हम सभी लोग संघर्षरत हैं। और खुरवाई, बीना, मालथौन, बांदरी और खुरई को मिलाकर ये जिला बनना चाहिए, जिसमें लोगों को यहाँ से जिले स्तर की सभी सुविधाएं प्राप्त हों। और इसी बात को लेकर के और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य भूपेंद्र भैया, मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी हम सभी को ये कहा है कि आप लोग संघर्ष करिए और हम सारी योग्यताएँ पूर्ण रखते हैं खुरई जिला बनाने के लिए। इसलिए खुरई जिला बनाने के लिए हमारा पूरा समर्थन है और जिला बनना